क्या होता अगर बेन को क्लासिक में ही मिल जाता अल्टीमेट्रिक्स। अब हम सभी जानते हैं कि जो अल्टीमेट्रिक्स है उसमें जो नॉर्मल एलियन है उसको इवॉल्व करके एक अल्टीमेट एलियंस बनाया जाता है, और बेन 10 जो क्लासिक सीरीज था जो कि हमारा सबसे पहला सीरीज था जिसमें बेन को एक ऑमनीट्रिक्स मिला था जिसमें सिर्फ 10 ही एलियंस थे। तो क्या होता अगर बेन 10 क्लासिक में ही बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिल जाता तो क्या कुछ होता, वो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर वन, अल्टीमेट एलियंस का यूज करना। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेट्रिक्स रहेगा तो बेन अल्टीमेट एलियंस का यूज करेगा ही करेगा। हमें काफी सारे अल्टीमेट एलियंस के रूप देखने को मिल चुके हैं, तो अगर बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिलता क्लासिक में तो वो अल्टीमेट एलियंस का तो यूज करता ही करता। नंबर टू, प्रॉब्लम्स इन अल्टीमेट्रिक्स। अब गाइस हम जानते हैं कि जो अल्टीमेट्रिक्स था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिलता क्लासिक में तो वो कंप्लीट होता तो बहुत अच्छा है, पर अगर वो इनकम्प्लीट होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता बेन 10 क्लासिक में बेन को। नंबर थ्री, ऑल अल्टीमेट एलियंस का यूज करना। अब हम जानते हैं कि गाइस जो हमारा बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस वाला बेन था उसमें से बेन वही सब एलियंस का यूज करता था जो कि उसको ज्यादा पसंद है, जैसे कि सुअम फायर, ह्यूमंगस और क्रोमास्टोन। पर गाइस बेन 10 क्लासिक में जब बेन को ऑमनीट्रिक्स मिला था तो वह न्यू एलियंस को ट्राई करना चाहता था, और अल्टीमेट्रिक्स में काफी ज्यादा एलियंस थे तो अल्टीमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा एलियंस होने के कारण गाइस जो हमारा क्लासिक वाला बेन है उसको अल्टीमेट्रिक्स में जितने भी एलियंस है उनके अल्टीमेट फॉर्म को भी जानना होता, क्योंकि गाइस बेन जो है वह 10 साल का था, उतना कुछ उसके पास समझ भी नहीं था, उसके लिए ऑमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स न्यू था। तो अगर अल्टीमेट्रिक्स को मिलता तो वह न्यू एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म्स को लाता जो कि वह छेड़छाड़ करते रहता अल्टीमेट्रिक्स के साथ। लॉट्स ऑफ एलियन इन अल्टीमेट्रिक्स। अब हम सब जानते हैं कि जो अल्टीमेट्रिक्स है उसके अंदर काफी सारे एलियंस है, तो बेन जो है उन एलियंस को जरूर ढूंढता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वह बहुत ज्यादा अल्टीमेट्रिक्स का यूज करता और अल्टीमेट एलियंस को वह हर एक चीज का यूज करता। बेन ने बहुत कम ही अल्टीमेट एलियंस का यूज किया है, पर गाइस क्लासिक में जो बेन है वो बहुत ज्यादा एलियंस को ढूंढने लगता और वो बहुत बार ट्रांसफॉर्म होना चाहता, क्योंकि न्यू एलियंस अगर उसके पास आते तो वह और ज्यादा यूज करने लगता अल्टीमेट्रिक्स को, क्योंकि वह तब एक 10 साल का नासमझ बच्चा ही था। और गाइस नंबर फाइव, आपको एक न्यू सीरीज देखने को मिलता अगर अल्टीमेट्रिक्स बेन को क्लासिक में ही मिलता तो। एलियन फोर्स तो होगा नहीं क्योंकि उसमें तो ऑमनीट्रिक्स को चेंज किया जाता, तो एक न्यू शो, एक न्यू सीरीज हमें देखने को मिलता और बेन को वहां पर न्यू अल्टीमेट्रिक्स मिलता, और गाइस बेन के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता। तो अगर बेन 10 को क्लासिक में ही अल्टीमेट्रिक्स को मिल जाता तो कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि उसके साथ होती। अगर गाइस ऐसा कुछ होता तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर गाइस अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।